देरी करने का परिणाम बहुत भयंकर होता है। सीजर ने शाही दरबार में जाकर एक समाचार को पढ़ने में देरी कर दी और अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। कर्नल राहत ताश खेल रहा था। एक नौकर ने वाशिंगटन की सेना संबंधी एक सूचना पत्र उसे लाकर दिया। उसने पत्र को देखे बिना ही जेब में रख लिया और ताश खेलता रहा। खेल समाप्त होने पर उसने पत्र को पढ़ा और अपने सैनिकों को वाशिंगटन की सेना का सामना करने के लिए तैयार होने को कहा, किंतु तब तक अवसर हाथ से निकल चुका था। उन्हें घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया, फिर सबको मौत के घाट उतार दिया गया। केवल कुछ मिनटों की देरी के लिए वह अपनी मान, स्वतंत्रता और जीवन से हाथ धो बैठा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसी घड़ी अवश्य आती है जिस पर उसके भाग्य का बनना या बिगड़ना निर्भर होता है। यदि मन तनिक सा भी हिचकिचाता या डरता है तो सब कुछ चला जाता है, नष्ट हो जाता है। अतः एक एक पल को मूल्यवान समझकर हमें उसका उपयोग करना चाहिए। जो क्षण व्यतीत हो गया वह पुनः वापस नहीं आता। जिस प्रकार यौवन ढलने के बाद उसे वापस नहीं लाया जा सकता, उसी प्रकार गुजरा हुआ समय भी वापस नहीं आता। इसलिए समय कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। कार्लाइल ने कहा है, हमारे भाग्य के ताने बाने को सदा कौन देख सकता है। क्षण भर के लिए उपयोगी व लाभदायक अवसर आता है, हम उसे खो देते हैं और इस तरह महीनों व सालों का नाश हो जाता है। यदि टाइम को मैनेज ना किया जाए, यानी समय का प्रबंधन ना किया जाए, तो समय साथ छोड़ जाता है। एक व्यक्ति का कहना है, पहले मैंने समय बर्बाद किया, अब समय मुझे बर्बाद कर रहा है। प्रत्येक कार्य उसके समय पर किया जाना ही उचित है। समय किसी से भेदभाव नहीं करता। इसे इस बात की भी परवाह नहीं कि आपका रंग या जाति क्या है, आप किस वर्ग के हैं, आपके माता पिता क्या करते थे, या आपकी अपने बारे में क्या राय है। हर दिन एक कोरी स्लेट के साथ शुरू होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीते काल में आपने क्या किया था। हर दिन नया होता है। आपके पास भी बाकी लोगों जितने ही अधिकार और अवसर होंगे। उदाहरण के लिए, आपके पास एक निश्चित मंजिल है। अपने लक्ष्य तय कर लेना, उस मंजिल तक पहुंचने का टाइम टेबल बना लेना, ये बहुत ही आसान है। यदि आपको पता है कि आप कार से कहीं जाने वाले हैं, तो यह जानना समझदारी है। आप किस समय घर से निकलेंगे, आपको कब तक क्या क्या कहां कहां पहुंचना है, आपका रास्ता क्या है, आप किस रास्ते से जाने वाले हैं, वहां पहुंचने के बाद आप क्या करेंगे। समय का प्रबंधन आपके लिए कुछ करने का समय बचाता है। यह प्रबंधन आपके समय को बर्बाद नहीं होने देता। आपका प्रत्येक कार्य सुनियोजित ढंग से संपन्न होता है। यदि हम सफलता की चाहत मन में रखे हुए हैं, तो जीवन में हमें कुछ नियम ही बनाने होंगे। हमें देखना होगा कि हम अपनी अमूल्य निधि को नष्ट ना करें। हमारी अमूल्य निधि निश्चित रूप से समय ही है। हमें समय की कद्र करनी चाहिए तथा समय के मूल्य को पहचान कर उसका सदुपयोग भी करना चाहिए। प्रत्येक प्राचीन काल में जब रेल व तारघर आदि नहीं थे, उस समय सरकारी डाक और चिट्ठी पत्र आदि ले जाने के लिए डाकिये काम पर लगाए जाते थे। उन्हें यह भी स्पष्ट कर दिया जाता था, यदि मार्ग में विश्राम करोगे तो डाक पहुंचने में देरी होगी, यदि देरी होगी तो सजा मिलेगी। इस प्रकार उन लोगों को समय नष्ट करने का परिणाम भुगतना होता था। पूर्व काल में जिस कार्य को करने में बहुत समय लग जाता था और मार्ग की कठिनाइयाँ अलग से झेलनी पड़ती थी, वही कार्य आजकल हम कुछ ही घंटों में कर लेते हैं। और जो कार्य आजकल हम एक घंटे में कर लेते हैं, उसे हमारे पूर्वज 20 दिन में भी नहीं कर पाते थे। किंतु इतनी विकसित वैज्ञानिक सभ्यता से हमने क्या लाभ उठाया। विज्ञान के कारण आज अधिक समय मिलने लगा है, तो उसका व्यर्थ उपयोग भी बढ़ने लग गया है। सदा स्वस्थ और आनंदित रहने के लिए यह परम आवश्यक है कि हम समय का पूरा सदुपयोग करें। इसके लिए टाइम मैनेजमेंट यानी समय का प्रबंधन अति आवश्यक है। अपनी रुचि के अनुसार जीवन का एक लक्ष्य बनाइए, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी लाभ हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक यथार्थवादी योजना बनाइए और योजना को वार्षिक, छमाही और तिमाही के खंडों में बांट लीजिए। प्रतिमाह एक दिन अपनी योजना की प्रगति पर विचार करके उसमें सुधार कीजिए। आने वाले दिन का कार्यक्रम रात में बना लीजिए। अपने समय का ध्यान रखिए। निश्चित कार्यक्रम के अनुसार कार्य कीजिए। कार्यक्रम में व्यवधान पड़ने पर निराश मत होइए और तत्काल आवश्यक सुधार कर डालिए। सही समय देने वाली एक लिस्ट वॉच रखिए। जेब से मोबाइल निकालकर समय देखने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि इसमें 10 से 20 सेकंड तक जाया हो सकते हैं हर बार। आप प्रत्येक कार्य को करने में कितना समय लगा रहे हैं, इसे नोट करते रहिए। एक समय में एक ही कार्य करें और उस अवधि में दूसरे कार्यों अथवा बातों को भूल जाएं। जब तक आपकी सलाह मांगी ना जाए, किसी को सलाह ना दें। इससे आपका कीमती वक्त बर्बाद होगा। फ़ोन पर केवल आवश्यक बातचीत करें और लोगों को बता दें कि आपको किन समयों पर फ़ोन किया जाए। आपातकालीन स्थिति को छोड़ दिया जाए तो काम के वक्त तो बिल्कुल भी फ़ोन ना करें। प्रातः दूध, चाय या शरबत आदि पीते हुए आप सरलता से समाचार पत्र पढ़कर अपने समय को बचा सकते हैं। समय का यह ऐसा प्रबंधन है जो जीवन भर आपकी सहायता करेगा। और हमारी इस वीडियो को बनाने का लक्ष्य भी यही है कि आप समय की इम्पोर्टेंस, समय के महत्व को जानें। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।